Hello dear students, welcome back in the ENV period. In the previous video, I explained about heart, brain and lungs. Today, we start a new topic. Topic is kidney. See students, it is a pair of kidneys. We have two kidneys in our body. Students, हमारी body में two kidneys होती है. See in the pictures. वन टू टू किडनीज होती हैं. दिस लुक लाइक किडनी बीन्स. किडनी बीन्स के जैसे दिखती है. किडनी बीन्स मीन्स राजमा जिसकी सब्जी बनती है. तो जो हमारी किडनी है वो किडनी बीन्स के जैसे दिखती हैं. किडनीज आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द रिब केज. रिब केज के जस्ट बिलो, रिब केज के जस्ट नीचे होती हैं हमारी किडनीज. चलिए मैं आपको किडनीज दिखाऊं कहाँ होती हैं. लेट्स सी, इट इज अ रिब केज एंड लंग्स आर प्रेजेंट हियर इन द जस्ट बिलो ऑफ रिब केज हियर. वन टू. देखिए स्टूडेंट, सी यहाँ पे आपको दिख रही हैं दो किडनीज, वन एंड टू. कहाँ है? जस्ट बिलो. किसके बिलो है? रिब केज के जस्ट बिलो यहाँ पे हमारी किडनीज होती हैं. किडनीज आर सिचुएटेड जस्ट बिलो द रिब केज. द किडनीज फिल्टर आउट द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड. ब्लड में जो वेस्ट होता है उसको फिल्टर करने का काम किडनीज करती हैं. किडनी का वर्क क्या है? ब्लड के वेस्ट को फिल्टर करना है. फिल्टर आउट the waste from the blood. This waste passes out of our body in the form of urine. जो वेस्ट किडनी ने फिल्टर किया उस वेस्ट पास आउट हो जाता है ऑफ आर बॉडी, हमारी बॉडी में से वो पास आउट होता है फॉर्म ऑफ यूराइन. यूराइन के फॉर्म में वो पास आउट हो जाता है. वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 glasses of water or other liquids in a day to keep our kidneys healthy. हमारी किडनी को हेल्दी तो रखना होगा. अगर किडनी हेल्दी नहीं हुई तो ब्लड में से ये वेस्ट कौन फिल्टर करेगा? तो किडनीज को हेल्दी रखने के लिए वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट कम से कम 6 to 8 glasses वाटर पीना चाहिए डेली. एंड अदर लिक्विड्स, अदर लिक्विड्स मीन्स रियल फ्रूट जूसेस एंड कोकोनट वाटर, ये सारी चीज़ें भी हमारे बॉडी को हेल्दी, हमारी किडनीज को हेल्दी रखने में हेल्प करती हैं. स्टमक. सी स्टूडेंट्स, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ स्टमक. स्टमक, आर स्टमक इज लाइक अ बैग. जो हमारा स्टमक है वो बैग के जैसे दिखता है. इट स्टोर्स द फूड दैट वी ईट. जो फूड हम खाते हैं वो स्टोर स्टमक में होता है. द स्टमक हेल्प्स इन ब्रेकिंग द फूड बाय क्रशिंग एंड चर्निंग इट. जो फूड होता है उसको ब्रेकिंग करना, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना और उसको क्रशिंग और चर्निंग में भी स्टमक हेल्प करता है. सी स्टूडेंट्स, घर पे मम्मी मिक्सर यूज़ करती है तो कोई भी चीज़ को जूसी फॉर्म में हो जाता है. तो वैसे ही स्टमक भी, कोई भी जो हम खाना खा रहे हैं कुछ भी चीज़ को क्रशिंग और चर्निंग करने का काम स्टमक का है. वी शुड ईट हाइजेनिक फूड टू कीप आवर स्टमक हेल्दी. हमारे स्टमक को हेल्दी रखने के लिए हमें हाइजेनिक फूड खाना चाहिए. ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो हेल्प इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द स्टमक. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है वो हमारे स्टमक को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करते हैं.